अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असद महमूद एंड वेलकम टू जायंस। न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट कोर्स की ये हमारी नई वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने रजिस्टर, लॉगआउट, गेट यूज़र डाटा और अपडेट यूज़र डाटा इन एपीएस को कंप्लीट किया था, जो कि हमने बैकएंड में उसका लॉजिक कंप्लीट किया था और पोस्टमैन में उनको टेस्ट किया था। आज की वीडियो में हम उन्हें फ्रंट एंड में अपनी रिएक्ट जेएस ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे कोड को ओपन कर लूंगा। ये हमारा बैकएंड का कोड है जिसमें अभी तक हम इन एपीएस को क्रिएट कर चुके हैं, लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट, गेट यूजर और अपडेट यूजर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रजिस्टर की एपीआई से और उसको फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर वीडियो शॉर्ट टाइम में हम उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे तो बाकी एपीआई को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी एपीआई के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा बैकएंड का कोड है और साथ ही मैं फ्रंट एंड का कोड भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा बैकएंड का कोड है और साथ ही मैं फ्रंट एंड का कोड भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है जिसमें के लास्ट अभी तक जो हमने किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी तक हमने ये काम कंप्लीट किया हुआ है जिसमें के राउट गार्ड्स अवेलेबल हैं, इक्वल की स्टेट अवेलेबल है, फॉर्म मैनेजमेंट जो फ्रंट एंड पे है, एटलीस्ट एरर हैंडलिंग और ईटीसी वो चल रहा है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ये सारा चल रहा है। अब हमने इसको मेनली बैकएंड एपीआई के साथ इंप्लीमेंट करना है, उसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक लिंक ऐड करेंगे, डू नॉट हैव अ अकाउंट क्रिएट वन नाउ, तो उसको पहले ऐड कर लेते हैं ताकि लॉगिन पेज से हम रजिस्टर पेज पे जा सकें और वहां से फिर एक लिंक वापस लॉगिन पेज के लिए ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कोड में आ जाते हैं और यहाँ से हम लॉगिन के पेज में आ जाते हैं और लॉगिन दिस, और यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म है, ये कार्ड है, इसके नीचे हमने ऐड करना है टैक्स ऑलरेडी हैव ए अकाउंट, इसको नीचे चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन कॉलम और इसमें मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए तो मार्जिन टॉप लेट्स से 3, ओ सॉरी ऑलरेडी हैव अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये लॉगिन पे है, डू नॉट हैव अकाउंट है, डोंट हैव ए अकाउंट येट, अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लें। और टैक्स ए एस चाइल्ड, यहाँ पर ए आएगा मेरे ख्याल से, ये बटन करना था, हाँ बटन, और टाइप लिंक सॉरी ये नहीं मोड शायद, यहाँ खैर देखते हैं अभी, यहाँ पर इसको भी रहने दें, रेड एक्स यू आई में देख लेते हैं, मेरे भी जहन में नहीं है रेड एक्स यू आई बटन, यहाँ पे रेड एक्स यू आई में बटन भी आ गए, और यहाँ पर वेरिएंट, आई थिंक वेरिएंट है ये, ओके हमारे पास लिंक का कंपोनेंट है, डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेते हैं लिंक, और इसकी ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर लेट्स सी के कैसे नज़र आता है, रजिस्टर नाउ क्रिएट अ अकाउंट, क्रिएट ए अकाउंट लेट्स, ओके ये हो गया। और यहाँ पे अब मुझे 2 चाहिए, ओके ऑन क्लिक
ओके, एक चीज सिर्फ रह जाएगी, उसको जो मुझे लिंक है वो कर्सर चाहिए, क्लास और इसमें सीएस यूटिलिटीज हैं। CSS defining this and that tailwind, okay, tailwind CSS available नहीं है तो custom CSS पे apply कर लेते हैं। okay, cursor pointer, और इसको class name pointer की तरह, दैट्स इट। ओके, क्लिक और रजिस्टर पे आ गया। दैट यहाँ पे अब सेम मुझे चीज़ ये वहाँ पे भी चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन जो है वो मैं कर दूँगा कॉलम, और उसके बाद इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बाकियों को मैं क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे इस पेज पे डाटा कंफर्म कर लेंगे कि हमारे पास डाटा कंसोल लॉग में सही आ रहा है जब हम सबमिट करते हैं। इसको नीचे करेंगे सबमिट, और मोबाइल रिस्पॉन्सिव अच्छी होनी चाहिए, तो इसको मोबाइल में देख लेंगे कि ये सही नज़र आती है कि नहीं। जी सही नज़र आ रही है, और किसी को भी मोबाइल में देख लेंगे, ऑलमोस्ट सही है। चलो ठीक है, लॉगिन पे जाके देख लेंगे, क्रिएट पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब सबमिट एरर आ गया, यहाँ पर डाटा ऐड करते हैं। ठीक है, सबमिट किया, और यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, मतलब डाटा हमारे पास आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे जो है लॉजिक वो कॉल करना है, उसके लिए कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट सिंक और इसमें अब मैं ये सारा लॉजिक यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। मेनली ये जो फॉर्मेट है ये ऑलमोस्ट ठीक है, और बस फॉर्म रिक्वेस्ट डाटा इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नेम वैल्यूज डॉट नेम, और यहाँ पे नेम की जगह हम उसको यूज करेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन। यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन ऐसी होगी क्योंकि ये हमने लारावेल में सेंड करना है, उसको इस तरह चाहिए। ये हमारे पास डाटा आ गया, ये अब हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है क्योंकि स्ट्रिंग भी भाई हमने कर दिया, और रिक्वेस्ट
डेटा स्ट्रिंग जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ये हो गया यहाँ पे। अब आगे और नेक्स्ट, अब हमने बेसिकली जो हुक सुनाई थी म्यूट की, बेसिकली इस एपीए को बैकएंड तक लेके जाना हमारा पहला काम यही है। और क्रिएट की रिक्वेस्ट पोस्ट की है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, यूज़ पोस्ट रिक्वेस्ट। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, पोस्ट दिस। ओके, अब इसको चाहिए क्या क्या, इसको डाटा यूआरएल चाहिए और डाटा चाहिए, क्यूरी स्ट्रिंग वैलिडेट चाहिए। यूआरएल, डाटा, क्यूरी स्ट्रिंग वैलिडेट, ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पर चाहिए। लेकिन बेसिकली इसका जो म्यूटेशन का फंक्शन है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी। खैर अभी देखते हैं। म्यूटेट एसिंक, और इसको एज सच यहाँ पर कोई भी चीज़ रिक्वायर नहीं है। यूआरएल स्ट्रिंग है, हम उसको यूआरएल पे हिट कर दें और पोस्ट उसका डाटा उसको कर रहे हैं। तो जो यूआरएल होगा, अब यूआरएल के लिए मैं यहाँ पर एक और कॉन्स्टेंट बना लूँगा, यूटिल्स कॉन्स्टेंट। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल्स, और इसमें रजिस्टर जो के बेसिकली यहाँ पे पहले वो आएगा। रजिस्टर, ओके। और ईएनवी में मैंने क्या रखा हुआ है, ये यहाँ तक ठीक है, इसके बाद वो आ जाएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एपीआई यूआरएल्स डॉट रजिस्टर। नेक्स्ट, अब क्या मसला है इसको, अच्छा डाटा चाहिए इसको, और डाटा अभी नहीं है यहाँ पर, डाटा नीचे जाके आएगा। लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और करूँगा, रिएक्ट क्यूरी डेव टूल्स। ये बेसिकली एक बड़ी ही इन्होंने ना हेल्पफुल एक्सटेंशन बनाई हुई है जो कि हमारे काम आती है। यहाँ पे आए, इसको इंस्टॉल किया और इसको यूज़ करने का तरीका भी सिंपल ही है, सिर्फ इस डेव टूल्स को इंपोर्ट करो और यूज़ कर लो। ऐप एंट्री पॉइंट, इसको ये जो रिएक्ट क्यूरी प्रोवाइडर है उसके अंदर इसको रखना है, क्योंकि इसने इसको यूज़ भी करना। और यहाँ पे आके देखते हैं, ये आ गया डन। यहाँ पे ये सारा जो भी आपको इसके रिलेटेड डाटा होगा ना, रिएक्ट क्यूरी के रिलेटेड, वो यहाँ पे मिलेगा। नेटवर्क में कोई भी रिक्वेस्ट चाहेगी, कुछ भी होगा, तो सारा कुछ यहाँ पे हैंडल होगा। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ हैंडल में ट्राई कैच।
ऑल वेरिएबल्स। ओके लेट्स सी, वेट और कॉन्स्ट रेस इक्वल टू दिस। इसको यहाँ पे किया, इसको नीचे किया यहाँ पर, और अभी के लिए मैं डमी डाटा एंटर कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। चलो ये हो गया सबमिट, और रजिस्टर की ये भी कॉल हुई है जो ओके ऑब्वियसली क्योंकि ये ओके ये ठीक कॉल हो गई है। और ये कह रहा है 302 फाउंड, लोकल होस्ट दिस एंड दैट, ओके यहाँ पे वापस आते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। ये क्यूरी फंक्शन पोस्ट दिस, और इंस्टेंट में ये मैंने बेस यूआरएल ऐड किया हुआ था, और इसको बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर दूँगा, लोकल होस्ट अभी के लिए कर दूँगा। और अभी भी है ओके स्ट्रिक्ट क्रॉस रीजन, हमारे पास ओके ये हो गया ठीक है। ठीक है, ओ सॉरी, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट रिस्पांस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट रिस्पांस है, जब डाटा सही नहीं होगा तो फिर ये रिस्पांस आया करेगा ये 4/2020 अनप्रोसेसेबल कंटेंट। ओके मीन के हमारा काम सही चल रहा है, एरर्स हमारे पास आ रहे हैं, और मुझे अब ये एरर्स यहाँ पे चाहिए लॉक करने। ओके मैं एक चीज़ यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, इसको मैं ऑप्शनल रखना चाह रहा हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ तभी ये पास किया जाए जब है। डन, अभी के लिए इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आके अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे कंसोल लॉक करवानी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आ रही होंगी कंसोल डॉट एरर, और इसको अगर मैं करता हूँ तो ये आपके पास एरर आ गया जो के अगर इसको क्लोज करें सबको इसमें आए तो ऑन एरर पे हम बेसिकली ये कर रहे हैं इस चीज़ को अनप्रोसेस। अगर मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश सबमिट तो अनप्रोसेसेबल एरर यहाँ पे आता है
ये बेसिकली रिपोर्ट एरर हो रहा है इसकी वजह से। अच्छा ओके, अब मेनली हमने, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, पोस्ट की ये रिक्वेस्ट है, इसमें प्रीव्यू बेसिकली ये हो रहा है, सबका एरर आ गया क्योंकि, अच्छा इसको मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ देखने के लिए कि ओके क्या होता क्या, ताकि एटलीस्ट हमें थोड़ी बहुत समझ तो लगे इसकी, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर ये यहाँ पे इस चीज़ को, और डाटा डाटा इसका क्या सेंटर, डाटा यही करना, पोस्ट रजिस्टर, और रजिस्टर हो गया। मीन ये रजिस्टर का जो है, और आप अगर इसे सेंड करूँगा तो ये अदर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये काम तो ठीक चल रहा है। मेन मसला यहाँ पे आ रहा है, जब हम इसको म्यूटेट को कॉल करते हैं तो ये डाटा पास नहीं हो रहा, इस डाटा को देखना है मेनली। ठीक है, ओके, इसको यहाँ पे हमें डाटा चाहिए इसका, जो कि बेसिकली हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, तो फिर एज सच बस एक मिनट। ओके, इसको क्या मसला, ये क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट हैंडल द टाइप ऑफ यूज मटेरियल। अच्छा लॉयबिलिटी, अच्छा जी, ये कह रहा कि ये चीज़ नहीं है। नहीं, ये बेसिकली यहाँ तो XES रिस्पॉन्स सेंड करेगा या फिर उस चीज़ को सेंड करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा प्रॉमिस ट्री और वॉइड या नेवर, अगर हम एरर थ्रो करेंगे तो नेवर पे बात चली जाएगी। डिफाइन क्या मसला है सर, टाइप अननोन, टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड वेरिएबल आर इनकम्पैटिबल।
अच्छा जी, मेनली इसको इससे मसला हो रहा है कि यहाँ पर एरर हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है या फिर बेसिकली स्ट्रिंग या फॉर्म डाटा हो सकता है। और इसका क्या, इसको टी और अनडिफाइंड और एरर और स्ट्रिंग ऑल दिस। ओके, चलो इसकी जगह वॉइड भी हो सकता है। चलो रिटर्न टाइप्स हैं इसकी, और अगर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ ख़त्म, तो ये ऑटो सजेस्ट करता, तो ऑटो सजेस्ट ज़्यादा बेहतर नहीं, ऑटो सजेस्ट ही रहने दे। ऑटो सजेस्ट बेसिकली जब आपने फुली डिफाइन करना हो तो कर लें, अदरवाइज इसको ऑटो सजेस्ट रहने। ओके, इसको भी ऑटो सजेस्ट पर रहने, अगर ज़रूरत होगी तो उसको रिटाइप कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, नहीं इसको यहाँ पे रहने देना पड़ेगा। ये URL यहाँ पे चाहिए मुझे, और ये मुझे स्ट्रिंग चाहिए, और डाटा भी मुझे चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, वेल अभी के लिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ ताकि चलो इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। इनवैलिडेट क्यों दी, इस कुछ नहीं करनी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये लेके आ रहा हूँ, और ये चीज़ मैं ऐसे कर रहा हूँ। डन, ये हुआ, और इसमें सॉरी जो URL है वो आ गया, और ये आ गया, और ये ले। अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग हैज नो पैरामीटर ऑन दिस। ठीक है, कोई मसला नहीं, एक चीज़ अगर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम सिंपली इसको इस तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो ओके, इसको अभी यहाँ पर वापस जैसे कॉल कर रहे थे वैसे ही कॉल कर लो, और अब देखते हैं रेस क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग रेस्ट या रिस्पॉन्स, और इसको सबमिट किया, ये सक्सेस हो गया, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आपके पास आ गया कि रिस्पॉन्स में डाटा जो है वो मेन चीज़ है। ओके, कंफिग दिस स्टेटस रिक्वेस्ट, अच्छा ये स्ट्रिंगिफाई के फॉर्म में आ रहा है। ओके, यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे पास ये डाटा आ रहा है, इस डाटा को देखते हैं। सोल डॉट लॉग यहाँ पे ये डाटा
स्ट्रिंगिफाई हो गया हमारा। इसमें पर्पस स्ट्रिंगिफाई होने का समझ नहीं आ रही, ये डाटा कैसा स्ट्रिंगिफाई हो गया। ये तो कोई मसला नहीं, इसको अनस्ट्रिंगिफाई कर लेंगे, लेकिन ये होना नहीं था चाहिए इस तरह। खैर अभी के लिए इसको रहने दें, और इधर वापस आके जेसन डॉट पार्स सबमिट, और ये आपके पास जो एक्चुअल था वो आ गया। अब इस चीज़ में से ये जो एरर्स आ रही हैं इनको लेना, और यहाँ पर फील्ड में एरर्स को शो करना अगर कोई एरर हुए तो। और इस सारी चीज़ को मैं वापस अभी के लिए यहाँ पे वापस लेके जा रहा हूँ, फिर देखेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट डाटा ये, और यहाँ पे एक टाइप बना लेते हैं, इसमें एरर्स हो सकते हैं जो के रिकॉर्ड होगा स्ट्रिंग और अरे ऑफ स्ट्रिंग का और नल। उसके बाद डाटा होगा, डाटा सेम होगा, नहीं डाटा बेसिकली रिजल्ट होगा जो के ऑफ जिसमें जो हो सकता है इंटरफेस और उसमें टी हो सकता, और ये डाटा ऑफ टाइप टी, या फिर ये इस टाइप का और इसमें टी फॉर जेनेरिक टाइप और नल और मैसेज स्ट्रिंग सक्सेस बुलियन स्टेटस एंड कोड। यहाँ पे भी फ्रंट एंड में भी इनो बना लेते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो मैप हो सके। मैंने शायद अभी यहाँ पे कांस्टेंट भी बनाए थे, इसको रहने देते हैं, इनम्स में आते हैं। एक्सपोर्ट इनम और रिस्पॉन्स कोड इनम, और इसमें क्या था, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यूटिल्स में इनम्स में ये
इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये किया और इसको ये कर दिया और लास्ट में ये भी इसको कॉपी किया और इसको कह दिया कि ये इस टाइप का, और ये इंट नहीं है, नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर है, चलो नंबर यहाँ पे इसको भी ज़रा थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आके एक्सपोर्ट इनम रिक्वेस्ट नहीं रिस्पॉन्स स्टेटस इनम सक्सेस इक्वल टू 200 और failed equal to 500, not found equal to 404 or unauthenticated equal to 401, invalid data 422 और कोई कोड सेंड किया 400 दैट रिक्वेस्ट इक्वल टू 400 और 201 क्रिएटेड अभी शायद नहीं है। लेट्स सी देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो ये जो है ऑफ टाइप as और इसमें जो डाटा है वो बेसिकली आई यूजर डाटा, आई यूजर डाटा को एक दफा स्टडी कर लें उसमें, ठीक ही। ओके, लेकिन डाटा में सिर्फ ये हो सकता है, ओके, और साथ में ऑथ टोकन हो सकता है, स्ट्रिंग होगी अगर हो, या फिर डाटा लिस्ट हो सकती है, अच्छा जी। ऑलरेडी एग्जिस्ट दिस एंड दैट, रिजल्ट जरा नल हो गया और कोड जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट ये, और इसमें देखते हैं स्टेटस एस डाटा डॉट स्टेटस रेस्पॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो था वो देखना है, ऑलरेडी आइटम एग्जिस्ट और इसमें आइटम एग्जिस्ट में 400 का कोड दे रहे हैं, पहले ही आ गया, ठीक। ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स स्टेटस ही ये कोड नहीं आना था, कोड 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 दिस एंड दैट और स्टेटस रिस्पॉन्स स्टेटस एंड बैड रिक्वेस्ट कंफर्म कर लें कि यह सही डन है, मतलब मैपिंग सही हो गई है। ओके, अब जो है
सेट एरर्स क्या होगा बोला ये ठीक है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको रिटर्न करना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? कॉन्स्ट एरर्स इक्वल टू दिस, जो के हो सकता है रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, और इसको इधर कर दो। अब rest data डॉट एरर्स डॉट फॉर ईच। अच्छा अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ये ओके ये रिकॉर्ड कह रहा है, सॉरी ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये अरे होगी, अरे रिकॉर्ड की ऐसे ही है। अरे नहीं, ये रिकॉर्ड है उसका, ठीक है। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, इफ दिस देन दैट डॉट कीज डॉट फॉर ईच की एरर, इक्वल टू ओके, और जो वो है उसमें चाहे ज्यादा ही मसले हों, ठीक है। हेलो अभी के लिए पर ओके ठीक है। यहाँ पे ये वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको रहने दो और यहाँ पे कर दो इफ वैल्यूज नेम डॉट लेंथ जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो एंड कॉन्टैक्ट्स ऐड इशू कस्टम दिस एंड दैट
अच्छा, मैं पहले सिर्फ ये चेक कर लूँ कि इसको ये एरर देता है कि नहीं। अगर मैं इसको सबको क्लियर करता हूँ, ओके, ये अब एरर जो है ये बैकएंड से आया, लेकिन बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये फ्रंट एंड से आए। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड नॉट नल एम्प्टी। अच्छा, एनी इज यहाँ पे ये जेड जो है बेसिकली इसके रिक्वायर्ड का मुझे चाहिए।